आज कर्नल पुरोहित के लिए बड़ा दिन है। 2008 के मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आज जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नल पुरोहित को 9 साल बाद जमानत मिली है। नवी मुंबई की तालुजा जेल में कर्नल पुरोहित बंद हैं। तालुजा जेल से देखिए संवाददाता गणेश ठाकुर की ये रिपोर्ट। आठ साल आठ महीने जेल में रहने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की आज नवी मुंबई के इसी तालुजा जेल से रिहाई होने जा रही है। सेशंस कोर्ट के एनआईए कोर्ट में कल रिलीज ऑर्डर दिया गया और रिलीज ऑर्डर को कल रात इसी नवी मुंबई के तालुजा जेल की उस बॉक्स में रखा गया जहां से उस रिलीज ऑर्डर्स को जेल प्रशासन अपने पास रखता है। और ये जेल का परिसर है। इस जेल के परिसर में कुछ ही घंटों में प्रसाद पुरोहित यहां से बाहर निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी आज रिहाई होगी और यहां से वो बताया जा रहा है कि पुणे की तरफ जाएंगे, अपने घर की तरफ। लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि कर्नल पुरोहित एनआईए कोर्ट जाकर जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है उस दौरान एग्जेम्पशन की मांग करेंगे और एग्जेम्पशन जो है लेने के लिए आज अदालत जा सकते हैं। तो अब यहां से वो सीधे एनआईए कोर्ट वापस जाते हैं या पुणे अपने घर जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन रिहाई हो रही है, बहुत बड़ी बात है। कल जब मीडिया से बात करते हुए कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर या जब उन्हें गाड़ी से अदालत और अदालत से वापस जेल लाया गया तो उस समय जब बात की तो कई सारे मुद्दे उन्होंने सामने रखे। उनका सबसे पहला रिएक्शन था कि वो बेहद खुश हैं, आठ साल आठ महीने की ये के बाद उनको आज़ादी मिली है और उनको ये लगता है कि अब उनके साथ न्याय हो रहा है और न्याय को लेकर वो काफ़ी खुश हैं। इसके बाद आगे की लड़ाई जो है वो अदालती कार्रवाई की है, ट्रायल की है, और उस ट्रायल को भी इसी तरीके से वो आगे उसका सामना करेंगे और उसमें से भी निर्दोष साबित होकर वो बाहर निकलेंगे, ऐसी उन्होंने भावना रखी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।